अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिली एक के बाद एक कामयाबियों को देख पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत को साल 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने इसी 2 दिसंबर को UNSC की अध्यक्षता संभाली है। एक के बाद एक भारत को मिली कामयाबी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहीं UNSC की अध्यक्षता मिलने से पाकिस्तान को एक डर इस बात का भी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने उससे आतंक से जुड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे। आतंकियों को शह देने वाले पाकिस्तान को अब सबसे ज्यादा डर कहीं न कहीं भारत से लग रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने एक बार फिर UNSC में कश्मीर का वही पुराना राग अलापा है। UNSC में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का वही पुराना राग अलापते हुए कहा कि विश्व व्यवस्था, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा परिषद कश्मीर मुद्दे पर अपने प्रस्ताव को लागू करे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि दुनिया में वो शांति को बढ़ावा दे। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भारत की संलिप्तता है। हालांकि पाकिस्तान की इस गीदड़भक्की का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। पूरी दुनिया के सामने उसके कश्मीर वाले एजेंडे की पोल खोल दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक देश जिसने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को शरण दी, अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवाया, वो संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देने के काबिल नहीं है। आपको बताएं तो अस्थायी सदस्य के रूप में ये दूसरी बार है जब भारत को UNSC की अध्यक्षता मिली है। इससे पहले अगस्त 2021 में भारत को अध्यक्षता मिली थी। हालांकि भारत अब भी UNSC में स्थायी सदस्य की मांग कर रहा है और इसमें चीन और पाकिस्तान बड़ा अड़ंगा डाल रहे हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।